हाय एवरीवन, दिस इज रॉय फ्रॉम स्टूडियो 9 और आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ऐसे 10 शॉर्टकट्स जो आपका स्टूडियो 1 की वर्कफ्लो को बहुत ज्यादा फास्ट कर सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले शॉर्टकट्स होता क्या है, जिन लोगों को मालूम नहीं है मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर में आप फोटो एडिटिंग कर रहे हैं या फिर ऑडियो एडिटिंग कर रहे हैं, व्हिच एवर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, अगर कोई भी काम आप बहुत ज्यादा करते हैं और वो करने के लिए आपको 2 or more क्लिक्स की सहारा लेना पड़ता है, तो इफ यू असाइन इट टू सम की कमांड्स, अगर वो कीबोर्ड के एक कीज के साथ वो असाइन कर लेते हैं तो ये बहुत जल्दी हो जाता है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम सेव भी होता है। इफ यू एक्सटेंसिवली यूज द शॉर्टकट्स, किसी भी सेशन में अगर आप 3-4 घंटा म्यूजिक बना रहे हैं, आधा घंटा टू मे बी 1 hour विल बी सेव्ड जस्ट यूजिंग शॉर्ट। ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शॉर्टकट्स हैं वो तो देखेंगे ही, उसके साथ कैसे आप खुद का शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कर रखा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो दोस्तों, स्टूडियो 1 इज अ ग्रेट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। मैं बहुत दिनों से क्यूबेस यूज करता आ रहा हूँ, दैट इज माई गो टू डॉ, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। लेकिन स्टूडियो 1 जो डॉ है, दैट इज द मे बी द मोस्ट क्लोज कंपिटिटर, इफ नॉट इवन मोर देन क्यूबेस। और क्यूबेस के साथ ये काफी सारी सिमिलरिटीज शेयर करते हैं। आप में से जो लोग क्यूबेस यूज करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअली सम ऑफ द क्यूबेस डेवलपर वर्कड ऑन स्टूडियो 1 डेवलपमेंट। तो क्यूबेस के साथ काफी सारे शॉर्टकट्स, कीज और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टूडियो 1 में शेयर हो जाता है। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम क्यूबेस, इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। सबसे पहले नेविगेशन, यहाँ पे देखिए एडिट, मिक्स, ब्राउज, ये सारे जो विंडो है जो आपको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। You don't have to actually go here and click this button or maybe go here and click this button because you have shortcuts for all of this. जैसे कि मिक्सर का जो विंडो है, if you want to open, the shortcut is F3. You press the F3, it's open, then it's closed. Then जो आपका ब्राउजर विंडो है जो बहुत ज़्यादा लगता है, उसको ओपन करने के लिए शॉर्टकट इज F7। तो अगर आप F7 प्रेस करते हैं, योर ब्राउजर विल कम अप। के बाद अगर आपका इंस्पेक्टर जो है, जो ये वाला पार्ट है, इसको अगर ओपन क्लोज करना है, द शॉर्टकट इज F4, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी हैंडी। देन यू इफ यू वॉन्ट टू एडिट समथिंग, जैसे कि आपका ऑडियो क्लिप हो गया, इसको आप अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं, इफ यू वॉन्ट टू एडिट दिस, देन F2 इट विल ओपन इन द ट्रैक। इसको अगर आप मैक्सिमाइज कर देते हैं, देन यू क्लोज इट एंड देन यू प्रेस F2, तो ये मैक्सिमाइज्ड मोड पे ही ओपन होगा, विच इज गुड। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर रिगार्डिंग द जूम, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, अगर आपके पास माउस व्हील है तो आप माउस में अगर स्क्रॉल करते हैं सो इट विल जूम हॉरिजॉन्टली, अगर आप शिफ्ट पकड़ के जूम करते हैं सो इट विल स्क्रॉल वर्टिकली, कंट्रोल शिफ्ट पकड़ के अगर आप जूम करते हैं तो वहां पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपके पास माउस नहीं है, आप लैपटॉप में कर रहे हैं, तो भी यू कैन हैव जूम ऑप्शंस इन योर फिंगर टिप। तो बाय डिफॉल्ट ये जो रहता है, दैट इज ई एंड डब्ल्यू, सो इफ यू प्रेस ई इट विल बी हॉरिजॉन्टल जूम, इफ यू प्रेस डब्ल्यू इट विल बी, सो इफ यू वॉन्ट टू गो वर्टिकल देन यू जस्ट हैव टू प्रेस डाउन द शिफ्ट की एंड प्रेस ई, तो ये वर्टिकल जूम होता है। अगर आप मैं शिफ्ट यहाँ पे दबा के रखा हूँ, अगर आप डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो ये वर्टिकल जूम होता है। अगर आपको ये जो वेवफॉर्म है, दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम क्यूबेस, यहाँ पे क्यूबेस में अगर आपको पता है, दिस सेम थिंग कैन बी डन बाय G&H। G&H इज द शॉर्टकट फॉर जूमिंग ऑन क्यूबेस। अगर मुझे ये जो व्यू है, वेवफॉर्म व्यू है, इसको अगर आपको चेंज करना है, विच आई डू इन क्यूबेस अलॉट, वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं आता, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, इसको ऑल्ट ई पे सेट कर रखा है। अगर मैं ऑल्ट ई प्रेस करता हूँ तो ये वर्टिकल जो डेटा जूम है, जो वेवफॉर्म जूम है वो होता है। अगर मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो ये वेवफॉर्म जूम आउट होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अगर कोई की कमांड असाइन करना है वो कैसे करना? आपको जाना है स्टूडियो 1 में, फिर यहाँ पे दिखेगा आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यहाँ पे आपको आना है। सो दीज आर द कीबोर्ड शॉर्टकट्स। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी फाइंड करना है, जैसे कि जूम फाइंड करना है, तो आप जा सकते हैं जूम में, सो ये जूम पे ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे और एक चीज़ है कि कौन सी चीज़ को क्या बोलना है, कैसे बुलाया जाता है, व्हाट इट कॉल्ड, यू हैव टू नो दैट। तो जैसे कि ये जो डेटा जूम है, ये क्यूबेस में वेवफॉर्म जूम है,
तो ये छोटे छोटे चीज जो है धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो डेफिनेटली कॉन्सिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज अगर आपको स्टूडियो वन, क्यूबेस, एफएल स्टूडियो और भी बाकी सारे जो डॉज हैं इनमें इंटरेस्ट है तो मैं इसके ऊपर वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाता रहता हूँ एंड आई ट्राई टू क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल वीडियोस, प्रोवाइड यू द बेस्ट वैल्यू इन ऑल ओवर यूट्यूब थ्रू माई वीडियोज। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो डेटा जूम में मुझे जाना पड़ेगा। सो दिस इज डेटा जूम इन। यहाँ पे मैंने ऑल्ट ई को यहाँ पे प्लेस कर रखा है। अगर आपको और कुछ देना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे ऑल्ट ई। यहाँ पे अगर मैं असाइन कर देता हूँ, ऑलरेडी असाइन है तो इसलिए असाइन बटन नहीं आ रहा है। सो इफ यू जस्ट क्लिक ऑन ऑल्ट की एंड देन हिट असाइन, इट विल बी असाइंड। अगर आपका ऑलरेडी कुछ असाइंड है वहाँ पे तो आपको यहाँ पे वार्निंग दिया जाएगा कि दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, सो डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस इट। बाद जो चीज़ है दैट इज सोलो एंड म्यूट, विच इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको कोई भी ट्रैक में सोलो करना है तो यू कैन जस्ट प्रेस द एस बटन और द एम बटन फॉर म्यूटिंग। अगर आपको मल्टीपल ट्रैक्स एक साथ करना है, सो इफ यू वॉन्ट टू सिलेक्ट मल्टीपल ट्रैक्स, तो आपको यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करना होगा, देन मूव द कर्सर टू दैट ट्रैक, क्लिक, देन यू प्रेस एम एंड एस फॉर सोलोइंग, तो ये हो जाता है। यहाँ पे और एक चीज़ है, अगर आपको कोई भी ट्रैक पार्ट में आप जा रहे हैं, जैसे कि सपोज मैं ये वाला ट्रैक, दिल ये मेरा बस में नहीं, सो मे बी आई वॉन्ट टू नो वॉट इज हैपनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, आई वॉन्ट टू सोलो इट, ओके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यू जस्ट हैव टू प्लेस योर कर्सर, यू हैव टू क्लिक इट हियर, आपको ये क्लिक करना है ये वाले क्लिप में एंड प्रेस द सोलो बटन, तो ये पहले कभी ऐसा होता था नहीं, सो इट विल बी सोलोड, ओके। सो दैट इज द सोलो एंड म्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज स्नैप ऑन ऑफ, जो यहाँ से हम कर सकते हैं, वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड, तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए आप प्रेस कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो रहता है दैट इज एक्चुअली एन फॉर न्यूयॉर्क, तो वो आप यूज कर सकते हैं। या फिर मैंने क्या करा है कि ऑलरेडी इसको क्यूबेस का जो शॉर्टकट है उसी में असाइन कर दिया है, सो दैट इज जे। सो अगर मैं जे प्रेस करता हूँ देन आई हैव द स्नैप एक्टिवेटेड, अगर मैं जे वापस प्रेस करता हूँ आई हैव द स्नैप ऑफ, सो दैट इज वेरी वेरी हैंडी। कोई भी पैरामीटर अगर आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यू में लाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रो इक्यू जो है इसको ओपन करता हूँ, अभी मान लीजिए कि ये वाला जो गेन नॉब है इसको मुझे यू नो डिफॉल्ट वैल्यू पे लाना है जो एकदम शुरू में था, तो यहाँ पे मैं जा सकता हूँ लाइक दिस इज द -0 dB और आई कैन टाइप इन द वैल्यू हियर, और मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट कंट्रोल एंड क्लिक, सो इट विल बी 0 dB। यहाँ पे देखिए ये वाला फ्रिक्वेंसी, अगर मुझे नॉर्मल जो डिफॉल्ट वैल्यू पे लाना है तो कंट्रोल प्लस क्लिक, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू में आ जाए। नेक्स्ट वेरी वाइडली यूज्ड शॉर्टकट जो है मेट्रोनोम ऑन ऑफ, तो अगर वो करना है अगेन दिस इज अ ओवरलैप विद क्यूबिस, द शॉर्टकट इज सी, सी फॉर चाइना। इस दिल का मैं अब क्या करूं, सो जस्ट लाइक दैट। सेम वे द नेक्स्ट शॉर्टकट इज, अगर आपको पता है, इज द डुप्लीकेट। यहाँ पे अगर आपको कोई भी जो पार्ट है उसको अगर आपको डुप्लीकेट करना है, सो यू कैन जस्ट सिलेक्ट इट एंड प्रेस द डी बटन, डी फॉर डुप्लीकेट, क्यूबिस में जो कंट्रोल डी है। सो नेक्स्ट शॉर्टकट इज एडिंग ट्रैक, कोई भी न्यू ट्रैक ऐड करना है यू जस्ट प्रेस द टी बटन, सो दिस इज बाय डिफॉल्ट द ऑडियो ट्रैक विच इज बीइंग एडेड। अगर आपको चेंज करना है तो आप इंस्ट्रूमेंट ट्रैक सेट कर सकते हैं, अगर आपको और कुछ सेट करना है तो ऑटोमेशन ट्रैक या फोल्डर ट्रैक भी आप सेट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट शॉर्टकट इज फॉर लोकेटर से, ये जो ऊपर का जो लोकेटर है ये भी बहुत बार यूज करना पड़ता है लूप करने के लिए खासकर, तो यहाँ पे इफ यू सिलेक्ट एनी क्लिप देन यू प्रेस द पी बटन, पी फॉर पेरिस, तो ये लोकेटर ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। अगेन दिस इज एन ओवरलैप विद क्यूबेस, क्यूबेस में भी सेम होता है। सो देन द नेक्स्ट शॉर्टकट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक नॉर्मलाइजिंग द ऑडियो, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, सो इफ यू वॉन्ट टू नॉर्मलाइज एनी ऑडियो जस्ट सिलेक्ट दैट एंड प्रेस ऑल्ट प्लस एन, सो ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज था, लेट मी सिलेक्ट दिस वन, तो ये जैसे ही करा मैंने तो नॉर्मलाइज हो गया, मे बी दिस वन आई वॉन्ट टू नॉर्मलाइज, सो दैट इज वेरी हैंडी ऑप्शन। अगर आपको बाउंस सिलेक्शन करना है, मे बी देखिए ये वाला जो ट्रैक है इसको मैं बाउंस करना चाहता हूँ, तो आई विल प्रेस द पी बटन, तो यहाँ पे आ गया, देन आई विल जस्ट प्रेस कंट्रोल बी, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली बाउंस होके यहाँ पे चला आता है, सो दिस इज एन ऑडियो, दिस इज एन ऑडियो ट्रैक राइट नाउ एंड इट्स नॉट अ,
राइट, सो दिस इज सो हैंडी। द फाइनल वन कितना हुआ वैसे, आई थिंक 10 से ज़्यादा ही हुआ होगा। तो द फाइनल वन आई वॉन्ट टू शेयर इज दैट द एक्सेसिंग द टूल बार्स। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी एडिटर विंडो में जाते हैं, जो यहाँ पे सपोज आपको कोई भी मीडी विंडो में जाता हूँ मैं, तो F2, सो दिस इज़ द मीडी। सो नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ड्रॉ करना है नोट्स, तो ये वाले टूल पे जाना होगा, पेन टूल में या फिर ड्रॉ स्प्लिट टूल में। अगर मुझे नोट्स स्प्लिट करना है तो स्प्लिट टूल में जाना होगा। तो ये अगर आपको एक्सेस करना है ना, दिस इज़ वेरी हैंडी। तो यहाँ पे ये सारा जो आपको दिख रहा है, ये 1, 2, 3, 4 ऐसे एक्सेस होता है। सो मे बी आई वॉन्ट टू स्प्लिट दिस नोट हियर, सो आई विल जस्ट क्लिक 2, तो यहाँ पे जस्ट प्रेस ऑन 2, तो ये हो जाता है। तो आई कैन क्लिक एंड क्लोज। ओके, अगर मुझे ड्रॉ नोट पे जाना है, ड्रॉ करना है, सो आई कैन प्रेस 3, आई कैन ड्रॉ द नोट्स जस्ट लाइक दैट। अगर मुझे वापस नोट सिलेक्ट करना है तो 1 दबाता हूँ, देन आई कैन सिलेक्ट द नोट्स। यहाँ पे अगर मुझे कम ज़्यादा करना है, आई कैन डू ऑल ऑफ दैट। काफ़ी मैच्योर सॉफ्टवेयर है और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप कोई भी डॉ में हैं, बीट लॉजिक प्रो, बीट क्यूबेस, बीट FL स्टूडियो, कोई भी है, आई विल अर्ज यू टू हैव अ लुक एट द स्टूडियो 1। दिस इज़ रियली रियली ग्रेट सॉफ्टवेयर, ग्रेट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर आपको क्लासेस करना है, अगर आपको सीखना है स्टूडियो 1 बारीकी से, कैसे अरेंज मिक्स मास्टर करना है विद स्टूडियो 1, यू कैन हैव ऑल ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम मी। ये जो क्लासेस होते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपका फेवरेट सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे आपको कैसे उसमें प्रोग्राम किया जाता है, अरेंज किया जाता है, रिकॉर्ड मिक्स मास्टर सब कुछ आपको सिखाया जाता है। सारे स्टूडेंट के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, विच इज़ अ वेरी सेटिस्फैक्टरी एज अ टीचर फॉर मी। ये ट्यूटोरियल में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। लेट्स मीट अप ऑन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रोड्यूसिंग।